भाई YouTube पे देख करके वीडियो और अपना टाइम और एमबी दोनों ही वेस्ट कर दिए होगे, लेकिन आपका अभी तक ये एरर जो आ रहा है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब भाई बोलोगे, बहुत सारे सोचेंगे कि भाई मैं आपका वीडियो क्यों देखूं, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। भाई मैं पिछले वाले वीडियो डाला था तो उसमें से 100% में से मुझे लगता है 99% लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपका आसानी से और इजी वे में आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर यहाँ पे कमेंट आए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से, तो सबसे ज़्यादा तो मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान से ही आए हैं कमेंट है कि उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन इंडिया से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो भाई, तो आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख देख करके सर्च कर करके टाइम और एमबी दोनों ही वेस्ट कर दिए होगे, लेकिन अभी तक आपका जेन्युइन कंटेंट आपको किसी ने नहीं बताएगा। तो भाई चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो, यहाँ पे एक कॉमेंट आया थैंक्स फॉर ब्रो लॉग इन हो गया 100%, और एक यहाँ पे रियल वीडियो ब्रो, यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे कॉमेंट आया थैंक यू बांग्लादेश से ये बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, इनका वर्क कर गया, और ये देख सकते हैं थैंक्स ब्रो बांग्लादेश से बोल रहा हूं और मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, ऐसा वीडियो आप तो नहीं मिला था। ये भाई रिलीज कर रहे हैं कि ये अच्छी वीडियो है, ये काम भी कर रहे हैं, यहां पे आप देख सकते हो थैंक यू, देख सकते हो ये थंबनेल और लोगो मेरा, ये पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिया हूं, यहां पे देख सकते हो भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, यहां पे मैं 10-15 कमेंट को ही अभी सेलेक्ट करके डाला हूं, बहुत सारे अभी आ रहे थे तो इससे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई मैं आपको यहां पे देख सकते हो भाई वर्क कर गई है, थैंक यू सो मच। यहां पे आप देख सकते हो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, यहां पे लव यू ब्रो, यहां पे वगैरह वगैरह सब चीज आ रहा है, तो यहां पे देख सकते हो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं, यहां पे लोग बोल रहे हैं कि मैं हां आपका वीडियो वर्क कर रहा है और आपका यहां पे जेन्युइन कंटेंट है, YouTube पे अभी तक ऐसा किसी ने वीडियो नहीं बनाया। जी हां दोस्तों, मैं जेन्युइन कंटेंट और आपका 100% प्रॉब्लम का सॉल्व किया हूं, और आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और जैसे ही आप वॉच करते हो तो मैं एकदम धांसू धांसू ट्रिक बता रहा हूं जो कि आपका 110% वर्क कर जाएगा। भाई नहीं करेगा तो आप कमेंट किस लिए भाई, आपको लाइव प्रूफ करके गेम को ओपन करके दिखाऊंगा भाई। तो चलिए दोस्तों मेन टॉपिक पे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको एक काम करना होगा भाई, आपका ये वर्क कर जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई फ्री में मैं बोल रहा हूं, और इस वीडियो का एम है लाइक, एम है मात्र 1000, आप कैसे भी लाइक एम कंप्लीट करा दोगे, और जल्दी से जल्दी आप भाई क्या सोच रहे हो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूं, क्योंकि और भी आपको आएंगे अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अपने मेन टॉपिक की तरफ। गाइस आपका यहां पे फर्स्ट टॉपिक, यहां पे फर्स्ट ट्रिक ये रहा, आपका फर्स्ट ट्रिक आपको ये करना है, क्या करना है, ये जो लॉगिन प्रॉब्लम जो हो रहा है आपके फेसबुक में, तो आपका नेटवर्क सेटिंग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सेटिंग को सॉल्व करना पड़ेगा, नेटवर्क सेटिंग होता है, नेटवर्क सेटिंग को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको नेट को ओपन करना होगा, उसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में चले जाना है। आप अपने फोन में आसानी से और इजी वे में क्या करिए, सेटिंग में चले जाइए, आपका जहां कहीं भी हो सेटिंग का ऑप्शन, उसके बाद अब आपको क्या करना है ये आपको कि आपके फोन में यहां पे आपको देख लेना है कहां पे आपका मोबाइल नेटवर्क्स या डाटा नेटवर्क्स या फोन इंटरनेट नेटवर्क्स है, तो यहां पे आप देख सकते हो, क्योंकि अलग फोन में अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो मेरे फोन में यहां पे देखने के लिए मिल जाता है, आपको आपको कंप्लीट और स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो ही आपका प्रॉब्लम ये 110% वर्क कर जाएगा। तो यहां पे देख सकते हो नेटवर्क्स एंड यहां पे मोबाइल डाटा पे आ गया, उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे मोबाइल नेटवर्क्स का आपको कहीं भी आपको देख लेना है मोबाइल नेटवर्क्स आपका कहां है, तो सिंपली से आपको ढूंढ लेना है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पे क्लिक करना है, उसके बाद अब यहां पे बहुत सारे यहां पे कमेंट ये भी कर रहे थे कि भाई मेरा ये चीज का सिम है तो इस चीज में मेरा नेटवर्क स्लो हो जा रहा है, और यहां पे उस टाइप का यहां पे लिख दे रहा है, तो लेकिन हां दोस्तों मैं आपको कोई भी आपका सिम हो मैं सबका एक ही सेटिंग होता है, मैं आपको सेटिंग कर दूंगा, जैसे मैं अपने या इस फोन में बताऊंगा वैसे ही आपको सेटिंग करना है, तो आपका 110% वर्क कर जाएगा। तो सिंपली से जैसे कि आप देख सकते हो जियो और एयरटेल का आप नीचे में देख सकते हो है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा एयरटेल के सिम पे ही मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा डाटा जो है एयरटेल के सिम पे ही है और मैं इसी पे यूज करना चाहता हूं, और यहीं पे मैं खेल करके और लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले अब आपको क्या करना है, एयरटेल को सेलेक्ट कर लेना, जिस भी सिम पे आप चाहते हैं उस सिम को सेलेक्ट करके, उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन यहां पे देखने के लिए मिल जा रहा है, तो सिंपली से अब आपको क्या करना है एक्सेस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। यहां पे आप देख सकते हो सकता है यहां पे प्लस वाले ऑप्शन पे आपका ऐड का ऑप्शन हो, या हो सकता है नीचे में आपका ऐड का या प्लस का ऑप्शन हो, हर एक फोन में अलग अलग प्रकार के सेटिंग होते हैं, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको
आपको देख लेना है कि आपके फोन में किस टाइप से है। तो सिंपली से मेरा प्लस का ऑप्शन है, तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पे नेम पर क्लिक करना, फर्स्ट वाले नेम पर क्लिक करना है। और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, तो ही आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो जो यहाँ पे है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली से अब मैं बता रहा हूं क्या यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है कि AIRTEL, यहाँ पे क्या लिखना है, जिस भी सिम पे आप नेटवर्क को सही करना चाहते हो और अपना लॉग इन करना चाहते हो फेसबुक से, जो आपका अनअवेलेबल आ रहा है उसको सही करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका जो भी सिम है उस सिम का यहाँ पे नाम लिखना है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर आइडिया का है तो आई कैपिटल, उसके बाद सारा स्मॉल, उसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे जी जो है कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। और जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे APN सेटिंग पे अब क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या APN सेटिंग में आपको फिल करना है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए, क्या जो भी आपका सिम का नाम हो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे मेरा एयरटेल का था तो ए स्मॉल लेटर, अगर आपका जियो का है तो जे यहाँ पे आपका होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर ही होना चाहिए। अगर आइडिया का है तो आइडिया, आई का यहाँ पे होना चाहिए स्मॉल लेटर, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। प्रॉक्सी को भी नॉट सेट रखना है, पोर्ट को नॉट सेट रखना है, यूजर नेम को भी नॉट सेट रखना है, पासवर्ड को भी नॉट सेट रखना है। हाँ, यहाँ पे सर्वर, सर्वर को आपको ये भी बहुत आपको बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप देखना है, और यहाँ पे ये आपको फिल करना है, यहाँ पे क्या, तो www यहाँ पे PUBGMOBILELITE.IN आपको यहाँ पे ध्यान से आपको क्या डालना है, www.pubgmobile.in ये आपको ध्यान से डालना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो तो भाई अब आपका यहाँ से आ जाएगा, हो सकता है आपके फोन में अब आपको कुछ नहीं करना, जितना मैं बताया उतना ही को आपको डालना है। उसके बाद हो सकता है तो आपके फोन में नीचे सेव का ऑप्शन हो या ऐड का ऑप्शन हो, ये आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है, या मेरा 3 डॉट है तो 3 डॉट पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेव का ऑप्शन। तो आपका जहां कहीं भी हो वहां से आपको सेव कर लेना है, और सेव जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू वाला टिक इस वाले पे है, इस वाले डब्बे पे। तो हम लोग को क्या करना है, जो अभी APN सेटिंग में आपको बताया उसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सिंपली से ये वाले हम लोग किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एयरटेल 4G, अगर जियो होगा तो जियो 4G, आइडिया होगा तो आइडिया 4G लिखेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना, उसके बाद अब आपको बैक आ जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नेटवर्क बहुत ही हाई हो जाएगा। उसके बाद अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड आपको क्या करना है कि आपको, और भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा वो क्या करना है, बट अभी आपको यहाँ पे आपको एक VPN कनेक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो सिंपली से सबसे पहले आपको कोई भी VPN, जो आपको VPN बेस्ट लगता है, आपके फोन में जो VPN आपको काम करता है उसी VPN के काम मतलब कि करना है। मैं ये नहीं करूंगा कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वही करूं, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे कि भाई ये आपका स्पॉन्सर वीडियो, लेकिन नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है, जो आपके फोन में अच्छा लगता है, जो आपको मन करता है उसी VPN को आप डाउनलोड करो, लेकिन मैं अपने से आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सुपर VPN, सुपर VPN जैसे ही सर्च करते हो तो ये आता है, लेकिन ये वाला VPN नहीं करना है, नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला आपको ओपन करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, तो सिंपली से आप इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं इसको क्यों आपको प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिलियन प्लस प्लेयर्स इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो 10 मिलियन प्लेयर्स यानी कि आप समझ सकते हो ये सिक्योर भी ऐप है, कोई इजी मतलब कि कोई भी इशू नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे ओपन कर लेना है, और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आसानी से और इजी वे में आपका ओपन हो जाएगा विदाउट एनी एरर। तो सिंपली से थोड़ा बहुत ऐड आएंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई फ्री का एप्लीकेशन है तो भाई ऐड तो आएंगे ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत ऐड आएंगे। उसके बाद इसको ओपन पर यानी कि कनेक्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही कनेक्टिंग लेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐड आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ऐड तो आएंगे ही आएंगे। सिंपली से अब आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है, अब आपको इसको डायरेक्ट कट करना है। क्या करना है, डायरेक्ट कट करना है, और अब मैं बता रहा हूं क्या करना है, सब सिंपली से अब आपको क्या करना है। और थर्ड यहां पे ट्रिक बता दे रहा हूं और लाइव प्रूफ करके उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि इसके बाद भी अगर आपका ओपन नहीं होता है तो, अगर नहीं होता है तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने PUBG लाइट से अब क्या करना है, रिपोर्ट करना है PUBG के पास कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये वगैरह वगैरह आपको करना है। अगर मन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इधर से कर चुका हूँ और बहुत सारे लोग कर चुके हैं, तो रिपोर्ट जैसे ही करूँगा। तो जैसा कि आपको पता है अभी फेसबुक और यहाँ पे जैसा कि इंडिया में बैन है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं, और पाकिस्तान में भी शायद मुझे लगता है बैन ही है, और बांग्लादेश में शायद बैन ही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्लिच चल रहा है बहुत,
ज्यादा ग्लिच रहा है, लोड हो चुका है, इसी के वजह से ये क्या कर रहा है, ये ग्लिच आ चुका है। तो सिंपली से इस पर वर्क किया जा रहा है, जहां से ऑफिशियल मेरे को न्यूज पता चला है वहां से मेरे को पता चला, मैं भी चैट किया हूं वहां पे मतलब टेंसेंट टीम के पास, तो यहां पे पता चला कि अब ग्लिच चल रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए टीम बैठी हुई है। तो सिंपली से बोल रहा है कि बहुत लोगों को यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन कोई कोई को यहां पे इजी आ रहा है, मतलब कि यहां पे एरर आ रहे हैं और यहां पे ग्लिच हो रहे हैं। तो सिंपली से जिनका सॉल्व हो जा रहा है तो भाई ट्राई करते रहो, या आप कुछ समय के लिए आप वेट कर लो भाई, आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली से चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपका तीनों स्टेप अगर आप मतलब कि देखे होंगे तो आपको फॉलो कर लेना, उसके बाद चलिए मैं गेम को ओपन करके और लाइव प्रूफ करके, भाई ये नहीं आप देख सकते हो एक VPN यहां पे कनेक्ट हुआ है और यहां पे एक VPN कनेक्ट करके और मैं कुछ नहीं किया हूं, सिंपली से डायरेक्ट कट किया हूं और कनेक्ट ही है, उसके बाद चलिए मैं अभी गेम को ओपन कर। गाइस जैसे ही आप तीनों स्टेप को फॉलो किए होगे, यानी फर्स्ट स्टेप क्या आपने नेटवर्क सेटिंग को किए होगे, उसके बाद सेकंड स्टेप आप अपने जो भी आपका मतलब VPN आपको कनेक्ट करना है कनेक्ट कर लिए होगे, उसके बाद आप जैसे ही इसको ओपन करते हो, जैसा कि थर्ड वाला है मैं स्टेप बताया उसको रिपोर्ट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं और बहुत सारे मेरे टीम की तरफ से रिपोर्ट कर दिया गया है और यहां पे उनके पास मैसेज कर दिया गया है, मेल कर दिया गया कि ये इशू आ रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स का, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे और यहां पे यूट्यूब पे तो भाई पूछो ही मत बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप देख सकते हो कि आपका आसानी से और इजी वे में विदाउट एनी एरर भाई लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, लॉग इन प्रॉब्लम कोई भी एरर नहीं आएगा, ना ही सर्वर इज बिजी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर आपका अगर लॉग इन प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं एक आई बटन में लिंक दे दिया हूं, उस वीडियो को भी जाकर देखो जो कि जबरदस्त है, या मैं कमेंट में पिन कर दिया हूं उस भी वीडियो को जाकर देखो, यहां से आपका आसानी से और इजी वे में वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, उस भी वीडियो को देखोगे तो अगर आपका लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो भाई यहां पे कोई एरर नहीं आ रहा है, यहां पे आसानी से और इजी वे में जैसा जैसा मैं स्टेप बताया, अगर उस स्टेप को अगर आप भाई फॉलो किए होगे तो यहां पे आप देख सकते हो वाओ गर्दा भाई एकदम गजब हो गया, यहां पे आप देख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी एरर नहीं आया। तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए होंगे, तो भाई मैं 110% श्योर हूं कि आपका ये वर्क कर गया होगा। अगर ये वर्क कर गया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई मैं इससे भी और धांसू ट्रिक लाने वाला हूं, अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास मिल जाए और आपका जो भी प्रॉब्लम हो यहां पे सॉल्व हो जाए। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ताकि भाई मुझे पता चले कि हां आपका ये प्रॉब्लम है और आपका ये एरर आ रहा है, तो ही मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूंगा। तो भाई जल्दी से जल्दी क्या सोच रहे हो, लाइक्स पूरा करो कम से कम 1000 और यहां पे सब्सक्राइब करके रखो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।